हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में करने वाले क्लास नाइन्थ का जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है एनुअल एग्ज़ाम, उसका हम संस्कृत का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास पहले ही आ गया है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देख कर ही क्लासरूम में जाइएगा परीक्षा देने के लिए, क्योंकि इसमें हम पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। आप लोग उसको कर लीजिएगा, जाइएगा पूरा 50-50 मार्क करिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर एक से। क्वेश्चन नंबर एक है, कह रहा है कि किस ग्रंथ में श्री कृष्ण का विचार है? तो गीता में। किस में? गीता में। अगला क्वेश्चन है, देखिए 50 क्वेश्चन कराएंगे, बेसी नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम 50 ही बनाना है। अरे कि ईसा स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है? तो की गई है किसकी? परमात्मा की। अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्या भरेगा? तो इसमें आगे भरेगा हमारा नमः। इसमें क्या भरेगा? नमः भरेगा। इसमें क्या भरेगा? नमः। अगला क्वेश्चन करते हैं, करें कि अस्तो मा सद्गमय यह वाक्य किस उपनिषद का है? तो यह वाक्य जो है, यह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? तो 1028। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? किस वेद का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं कि सही प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है? चाहने वाले पुरुष कौन है? तो सज्जन। कौन है? सज्जन। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए थोड़ा स्पीड चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतहीन रोग क्या है? अंतहीन रोग क्या है? क्रोध, मोह, लोभ, काम। तो 8 के आंसर में क्या हो जाएगा? लोभ। अगला क्वेश्चन है कि भारत महाभारत में कितने श्लोक हैं? महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में कुल हमारे 100,000 लगभग श्लोक हैं। कितने? 100,000। क्या ऐसे कहा जाता है? 100,000। ठीक है। अरे कि किस वेद में ज्ञात्मक मंत्र है? ज्ञात्मक मंत्र है तो सामवेद में। कहाँ पर? सामवेद में। अगला क्वेश्चन है कि कुंतो भवंत समायता किम प्रयोजनम? प्रयोजनम किसने पूछा या किसने पूछा? तो हमारे 11 का जो आंसर हो जाएगा, 11 आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भैरवानंद। अगला क्वेश्चन है, कह रखा है कि वेद कितने हैं? तो वेद 4 होते हैं, सबको पता है। 12 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत किस पर्व से संकलित है? तो यह जो है वन पर्व से संकलित। किससे? वन पर्व से। अगला क्वेश्चन है, किसके बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं है? किसके बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, बंधु। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पुत्र धन की खोज में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे? सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे? तो अवंती में। कहाँ पर? अवंती में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोभिष चक्रधर पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित? यह है पंचतंत्र से। पंचतंत्र से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहे हैं कि कष कौन संधि है? तो कष जो होता है ये विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है कि स्वर संधि के प्रमुख कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के प्रमुख कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर की मिलिप क्या होती है? होता है व्यंजन संधि में। यहाँ पर यह होता है व्यंजन संधि होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि विद्यार्थी का संयुक्त विद्या जोड़ अर्थी। विद्या जोड़ अर्थी। अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत जोड़ न का संधि क्या हो जाएगा? इसका संधि क्या होगा? तो अन्यन हो जाएगा, अन्यन। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, करे कि अ जोड़ ऊ के मिल से क्या बनेगा? तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। करे कि तंदुरतरम किस संधि का उदाहरण है? तंदुरतरम। तंदुरतरम किस संधि का उदाहरण है? तो यह होगा स्वर संधि। किस संधि का? स्वर संधि होगा। 23 का आंसर। अगला क्वेश्चन करें 24 नंबर, कि स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? स्व जोड़ इच्छा। स्व जोड़। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेगा कुतो भवंत, इसको करें कि काल कारक वचन लिंग आदि कारण किन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं? तो अव्यय का। किन का? अव्यय का रूप नहीं बदलते। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेगा कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने? 13। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि किस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? किस पद का? तो होता है कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन, न जो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। क्या हो जाएगा? अनर्थ। 29 का बी हो जाएगा। कह रहा है कि किसी भी समस्त पद को सार्थक विभक्ति विभक्ति युक्त पद में अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विच्छेद कहते हैं। इसे कहते हैं, कह रहे हैं कि किसी समस्त पद को सार्थक विभक्ति पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह, विच्छेद नहीं।
इसका विग्रह होगा राइट आंसर, इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रखे कि गंगा जलम का विग्रह करें, गंगा जलम का विग्रह, तो गंगाया जलम, गंगाया जलम। करें कि समस्त पद में द्विगु समास है सप्ताह, कहाँ पर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम शब्द के द्वितीय बहुवचन का कौन सा रूप कौन सा है, तो रामान हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अयम किस शब्द का रूप है, तो ईदम का, किसका, ईदम का। कौन सा शब्द व्यंजनांत है, मतलब कि जिसका अंत व्यंजन होता है जगत का, छत्तीस का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि आ के अंत से होने वाले शब्द कौन है, आकारांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आकारांत कहते हैं। कह रहा है कि देव शब्द के सप्तमी विभक्ति के क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देवे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शब्द विभक्ति के एक वचन में, तो 38 का आंसर ए हो जाएगा, देवे। अगला कह रहा है कि फलय किस विभक्ति का रूप है, फलय, फलय किस विभक्ति का रूप है, तृतीय का, किसका, तृतीय का। आए करते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा व्यंजनांत है, तो यही हलक हो गए ना भाई। कह रहा है किस शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, तलाता है। अगला क्वेश्चन मुनिसु, तो यह हो जाएगा सप्तमी। अगला क्वेश्चन है करण तृतीय से किस तृतीय एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राम कलमेन लिखती। अगला क्वेश्चन की क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है, तो द्वितीय, कौन, द्वितीय होती है। अगला क्वेश्चन है कि उस कारक को क्या कहते हैं जिसके, जिसको कर्ता क्रिया द्वारा सर्वाधिक चाहता है, इसको छोड़ दे रहे हैं। करेंगे संबोधन में कौन विभक्ति होती है, तो प्रथमा, कौन, प्रथमा। करेंगे सह व्याघ्रात विभेति, यह किस विभक्ति का सूत्र रहती है, भीत्यर्थान भय हेतु। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस सूत्र में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त है, शेष षष्ठी, कौन, शेष षष्ठी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है किस भाषा में सभी भारतीय भाषाएं निकलती है, किस भाषा से, तो संस्कृत भाषा से, किस भाषा से, संस्कृत भाषा से। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संस्कृत में भूगोल और खगोल के विषयक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, तो आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। अगला क्वेश्चन है कि धातु कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कि पाँच ही मरिएगा 50 का, इसका आंसर ए ही। अगला क्वेश्चन है किस काल में प्राकृतिक उपकरण देवरूप में प्रकल्पित थे, तो इसका 51 का आंसर नहीं देखें, हालांकि कह रहा है कि जल से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, तो मेघ, कौन करता है, मेघ। अगला क्वेश्चन है कि किसने पंपासुर का वर्णन किया है, किसने पंपासुर का, तो वाल्मीकि ने, किसने, वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन है कि नव शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आकाश होता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है ज्ञान भारम क्रिया बिना पाठ प्रतंत्र किस तंत्र से संकलित है, तो ये संकलित है हमारा और अंतिम से, कहा इसका अंतिम हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 56 कर रहा है कि अहो न युजते यू एवं कर तुम, किसने कहा, तो ये कहा था तृतीय ने, किसने कहा था, तृतीय ने। अगला क्वेश्चन है 57 कि वितस क्या अर्थ होता है, तो विगत, वित कर रहा है कि वितस का क्या अर्थ होता है, तो वित्त का, नहीं धन का हो, किसका, वो धन का, 57 का इसका हो जाएगा। कि सुबुधि पेड़ से उतर कर कहाँ गया, सुबुधि पेड़ से उतर कर कहाँ गया, तो घर गया, कहाँ गया, घर गया। 59 में कह रहा है कि नीति प्रधानी पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो नीति शतक से, कहाँ से, नीति शतक से, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि बाधा के डर से कार्य आरंभ नहीं करता है कौन, उत्तम व्यक्ति, कौन, उत्तम व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि कौन बुद्धि की जड़ता को नाश करती है, बता दे कि जो लोग वीडियो को बाद में देखते हैं भाई, देखेंगे तो वो बताइए कमेंट करके कितना सही किए हैं, कौन नाश करती है, तो सत्संगति, कौन, सत्संगति, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजपुरी अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है, तो नेटुआ। अगला क्वेश्चन है कौन नृत्य माधुर्य भाव सूचक है, भाव सूचक है, तो ये लास्ट से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लास्ट से। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सोहर कौन गीत है, सोहर है जो कौन गीत है, संस्कार गीत है। अगला क्वेश्चन झिझिया किस क्षेत्र का नृत्य है, तो मिथिला का। कह रहा है कि ईद किसके महान पर्व है, मुसलमान का। अगला क्वेश्चन है कि रोजा में व्रती पूरे दिन क्या करते हैं, तो
उपवास रहते हैं रोजा में। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए 50 क्वेश्चन पार ही करा। देख रहे ईदगाह का मतलब क्या होता है, ईदगाह नमाज का स्थान होता है। अगला क्वेश्चन कि ईद के अवसर पर दी जाने वाले क्या कहते हैं, इसको फितरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि हमारे देश में आज भी कृषि प्रधान की अवस्था कहाँ है, तो गाँव में, कहाँ पर, गाँव में। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित क्या है, इसमें हमारा मानव नगर होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं भाई, करें गांव के लोग नगर के प्राणी क्यों करते हैं, इसको भी छोड़ देने लगे। करें बीरकुंवर सिंह जन्म कहाँ होते, जगदीशपुर में। करें कि साहेबजादा बीरकुंवर सिंह कौन थे, तो पिता थे, कौन थे, पिता थे। अगला क्वेश्चन है करें कि बीरकुंवर सिंह किसके भक्त थे, तो हनुमान, यही क्वेश्चन है, हनुमान नहीं होगा, इसको छोड़ दें। हालांकि लेकिन श्री कृष्ण ने तीन अवस्थाओं का चर्चा किस ग्रंथ में किया है, तो पुराण में, कहाँ पर, पुराण में। अगला क्वेश्चन है कि जरा का अर्थ क्या होता है, तो बुढ़ापा। अरे कि जीवन को सफल बनाने हेतु काल श्रेष्ठ, कौन से काल है, तो वर्तमान काल जीवन बन जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है जल प्लावनम का क्या अर्थ होता है, तो जलया, इसका जलज हो जाएगा, जलज, इसको अलग छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी छोड़ दे रहे हैं, हालांकि जो क्वेश्चन आसान उसमें करेंगे। कर रहे हैं कि लिट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, तो भविष्य, भविष्यत काल में, कहाँ पर, भविष्यत काल में। अगला क्वेश्चन भवती किस धातु का रूप है, तो भू धातु, किसका, भू धातु का। अगला क्वेश्चन है कि पठ किस लकार का रूप होता है, तो पठ होता है लोट लकार का, किसका, लोट लकार का। अगला क्वेश्चन है कि गम धातु के लंग लकार का कौन सा रूप है, तो अगछत। अगला क्वेश्चन है कि तिंग छोड़ देना, कर तिष्ठी में क्या, तिष्ठी में धातु क्या है, तो अस्था, कौन धातु है इसमें, अस्था धातु है। देखिए बिल्कुल ये आंसर एक्यूरेट है, कि स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाला में कौन स्त्री प्रत्यय है, तो टाप। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में इंगित प्रत्यय है, तो इंगित है तरुणी में। अगला क्वेश्चन है कि समाचार में कौन सा उपसर्ग रहता है, सम। अगला क्वेश्चन है कि विसर, वी से विसर क्या होगा, तो इससे विहार हो जाएगा, नहीं इसमें विचार है, तो इसमें हालांकि विचार होगा, विचार। अगला क्वेश्चन है, कर रखा है कि कौन धातु के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तन लाता है, किसी धातु के पहले लगकर उसके रूप और अर्थ में कौन परिवर्तन लाता है, तो उपसर्ग, कौन उपसर्ग, पहले लगता है उपसर्ग, बाद में लगता है प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है कि किस कृत प्रत्यय भूतकालिक क्रिया बनाती है, भूतकालिक क्रिया, इसको अलग छोड़ दे रहे हैं। करें के लिए, करें कि कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय लगा, तव्यम लगता है इसमें, तबियत होता है। करें कि भू जो अक्तवा का क्या होता है, भूतवा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो हमने करीब करीब इसमें भी 70-80 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अगर वीडियो को बाद में देखें तो बताइए कमेंट करके कितना सही है। और दोस्तों ये वीडियो सभी 9th क्लास के छात्रों को पहुँचाना है जो कि एग्जाम देने वाले हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। फिर मिलते हैं वीडियो, तब तक जय हिंद।